केकड़े चढ़ाने से बच्चे को कान में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। हमने भी केकड़े चढ़ाना है अभी इस दिन। यहाँ पे ये केकड़ा चढ़ाते हो ना तो उससे आपकी ये मन्नत पूरी हो कि आपको दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा मंदिर हजारों साल पुराना है और यहाँ पे जब रामचंद्र भगवान 14 वर्ष का वनवास के लिए निकले थे ना तो यहीं पे वो रुके थे और उसको पता चला कि दशरथ जी का मृत्यु हो गया। तब उसको पूजा करने के लिए ऐसा मन हुआ तो उसने तीर मार के स्वयं शिवलिंग को प्रकट किया और फिर जब शिवलिंग प्रकट हुई तो दरिया देव भी प्रसन्न हो गए तो उसके साथ जीव जंतु सब इधर आ गए तो उसमें कड़तले भी आए तो दरिया देव ने बोला कि ये इसका कुछ उद्धार के लिए कुछ बोलो। तो रामचंद्र भगवान ने कहा कि कोई किसी को भी कान में तकलीफ होती होगी कोई ऑपरेशन से भी अच्छा नहीं होगा तो यहाँ पे जो पोषवद 11 के दिन जो मन्नत लेंगे तो उसको पूरी होगी और ये हजारों साल से ये परंपरा चली आ रही है और सबको अच्छा भी हो रहा है और इसलिए सब दूर दूर से भाविक भक्त यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए। और एक ही दिन पूरे विश्व में एक ही ये मंदिर ऐसा है कि यहाँ पे जीवते कड़तले चढ़ते हैं। आपके कान में या कोई भी दिक्कत है, डॉक्टर ने ऑपरेशन वगैरह कुछ भी बोला है तो यहाँ की मन्नत रखते हो ना उससे वो आपको ठीक हो जाता है और इस दिन यहाँ पे ये केकड़ा चढ़ाते हो ना तो उससे आपकी ये मन्नत पूरी हो कि आपको दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ राम जी ने उसके फादर है उनका भी वो क्रियाकर्म वगैरह सब करवाया था इसी वजह से इस मंदिर का महत्व और आस्था भी सबकी बहुत है। नहीं ये बच्चे के लिए चढ़ाते हैं, बच्चे को कान में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती इसकी वजह से। केकड़े चढ़ाने से बच्चे को कान में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। बरसों से मेरे ससुराल वाले चढ़ाते तो अभी मुझे पता चला तो मैं भी आती हूँ। नहीं सिर्फ यही पे केकड़े चढ़ाए जाते हैं, किसी और मंदिर में नहीं चढ़ाए जाते। मैं 20 साल से आ रही हूँ और साल में एक ही बार जब जो महादेव जी का जन्मदिन होता है ना उसी दिन ये केकड़े चढ़ाते हैं। और केकड़े की आस्था ये है कि हम लोग ऐसा मानते हैं कि हमारे बच्चों के जो कान में दर्द होता है ना वो नहीं होता है। वो ये मंदिर को रामनाथ घेला से ये नाम से जाना जाता है और यही आस्था ज़्यादा है इसीलिए इतनी सारी भीड़ है कि बच्चों के कान अच्छा हो जावे। इसीलिए ये मान्यता से हम भी 20 साल से आ रहे हैं। हमने भी केकड़े चढ़ाना है अभी। साल में तो एक ही बार दिन आता है, वैसे तो हर रोज आने वाले हैं भक्त तो आते ही है लेकिन साल में एक ही बार ज़्यादा भीड़ होती है केकड़े चढ़ाने के लिए, इसीलिए ज़्यादा भीड़ होती है।